तो हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ। तो आज के वीडियो में दोस्तों एक वीडियो कॉन कंपनी का 21 इंच का अल्ट्रा सिम सीआरटी टीवी है, देख सकते हैं आप लोग। ये भी स्टैंड बाय मोड पे है, देख सकते दोस्तों। इसका रेड इंडिकेटर अभी जल रहा है, यानी टीवी हमारा स्टैंड बाय मोड पे है अभी। तो आइए दोस्तों, इसका हम स्टैंड बाय मोड से रिलीज करते हैं इस टीवी को। ये रहा इस टीवी का रिमोट, तो देख सकते दोस्तों ये टीवी हमारा स्टैंड बाय मोड से रिलीज हो चुका है। और इसमें दोस्तों नो पिक्चर का इशू है। इस टीवी के स्क्रीन पे दोस्तों लाइट नहीं आता है। तो वीडियो में बने रहे दोस्तों, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे चैनल पर व्यू तो अच्छे आते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत ही कम लोग करते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये रहा दोस्तों वीडियोकॉन अल्ट्रा सिम सीआरटी टीवी पीसीबी का डिटेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका मेन एसी दोस्तों टीडीए 12-13 5PS लगा है। तो आइए दोस्तों, अब हम टीवी को रिपेयरिंग करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें हम बेसिक वोल्टेज चेक करेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ से है। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा इस टीवी का पीसीबी और इसका मेन एसी दोस्तों टीडीए 12-13 5PS लगा है इसमें। तो आइए दोस्तों, इस पीसीबी को हम बैक साइड की तरफ पलट लेते हैं और फिर हम इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये रहा दोस्तों पीसीबी का बैक व्यू। अब हम दोस्तों सबसे पहले इसमें HDB+ जो कि 110-115 वोल्ट के करीब होता है हमारा, वो वोल्टेज चेक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों इसमें सारे रेगुलेटर IC पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों बारी बारी हम वोल्टेज चेक करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं HDB+ जो कि 115 वोल्ट हमारा ओके है, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 115 वोल्ट हमारा ओके है। उसके बाद दोस्तों ये रहा हमारा 3 पिन का 8 वोल्ट का रेगुलेटर, यहाँ पे देखिए दोस्तों 8 वोल्ट भी हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे एक और रेगुलेटर लगाया है जो कि 3.3 वोल्ट का, जो कि हमारा मेमोरी IC के 8 नंबर पिन पर आता है, देख सकते दोस्तों ये रहा हमारा मेमोरी फ्लैश IC। उसके 8 नंबर पिन पर दोस्तों 3.3 वोल्ट हमारा आना चाहिए, यहाँ पे 3.3 वोल्ट हमारा प्रेजेंट है। उसके बाद दोस्तों एक और रेगुलेटर 5 वोल्ट का लगा होगा। आइए दोस्तों यहाँ पे भी मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा प्रेजेंट है, 5 वोल्ट रेगुलेटर वोल्टेज ओके है। तो आइए दोस्तों, अब मैं CRT बेस पे कुछ वोल्टेज चेक करूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों 180 वोल्ट में चेक करूँगा, जो कि वीडियो आउटपुट वोल्टेज होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 143 वोल्टेज ही आ रहा है, वीडियो आउटपुट वोल्टेज लो है हमारा। और बाकी ब्लू कैथोड पे यहाँ पे 114 वोल्ट ही आ रहा है। सारे कैथोड पे मैं वोल्टेज चेक करूँगा, RGB तीनों कैथोड पे वोल्टेज हमारे लो है दोस्तों, 110-112 वोल्टेज ही है, देख सकते दोस्तों। यहाँ पर हीटर पर हमारा 3 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब दोस्तों EST हमारा हो रहा है लेकिन EST बहुत ही कम हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों। AC हीटर वोल्टेज हमारा अभी 3 वोल्ट ही आ रहा है, सेम कंडीशन है दोस्तों। इस कंडीशन पे हमारा स्क्रीन पे अभी कोई लाइट नहीं आ रहा है, आपको मैं एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ टीवी का, देख सकते हैं दोस्तों इस कंडीशन पे हमारा स्क्रीन पे कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। आइए दोस्तों अब मैं इसका फॉल्ट दिखाता हूँ। मैं काफ़ी देर इस पर काम किया हूँ तब जाके मुझे इसका फॉल्ट निकला है दोस्तों। इसमें प्रॉब्लम दोस्तों EST सेक्शन में ही है, यहाँ पे 3 PF लगा है, देख सकते हैं आप लोग इस PCB में 3 PF लगा है। इसमें 1 PF दोस्तों हाई वोल्टेज वाला जो कि 2000 वोल्ट का होता है, वो PF हमारा सही है दोस्तों। और 400 वोल्ट में इसमें 2 PF लगा है। आइए दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये दोनों PF हमारा ख़राब है दोस्तों, ये दोनों PF हमारा ख़राब है और ये एक यहाँ पे एक PF लगा है हाई वोल्टेज, ये दोनों PF हमारा सही है। तो आइए दोस्तों अब मैं ये ख़राब वाला PF मैं आपको बाहर निकाल के फिर मैं इसका वैल्यू दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं दोस्तों मैं इसका वैल्यू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका वैल्यू दोस्तों 564J 400 वोल्ट का ये PF है। तो आइए दोस्तों इसके जगह हम दूसरा PF लगा लेते हैं जिसके वैल्यू दोस्तों 624J है, दोस्तों ये भी 400 वोल्ट का PF है। आइए दोस्तों फटाफट हम ये वाला PF इसमें रिप्लेस कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो देख सकते दोस्तों
ये न्यू वाला फी अपने इसमें रिप्लेस कर चुका हूँ। तो आइए दोस्तों, अब मैं टीवी में पावर ऑन करता हूँ। देख सकते हो दोस्तों, मैं टीवी में पावर ऑन कर चुका हूँ। और दोस्तों, इसको रिमोट से पहले स्टैंड बाय मोड से रिलीज करना होगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, ESTB+ हमारा 115 वोल्ट जो कि होता है वो हमें चेक करना होगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 115 वोल्ट हमारा सही है। उसके बाद दोस्तों, वीडियो आउटपुट वोल्टेज चेक करूँगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीडियो आउटपुट वोल्टेज हमारा 187 वोल्ट के करीब आ रहा है, जो कि ओके हमारा दोस्तों, जो कि पहले 143 के करीब आ रहा था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 187 के करीब हमारा वोल्टेज आ रहा है। और तीनों कैथोड पे अब मैं वोल्टेज चेक करूँगा। देखिए दोस्तों, ब्लू कैथोड पे 142 के करीब हमारा है। इसके बाद दोस्तों, रेड कैथोड पे 139 के करीब हमारा दोस्तों है। यानी तीनों कैथोड पे हमारा वोल्टेज ओके है। RGB तीनों कैथोड पे हमारा वोल्टेज ओके है। उसके बाद दोस्तों, हीटर वोल्टेज मैं चेक करूँगा, क्योंकि पहले 3 वोल्ट के करीब हमारा आ रहा था। अब दोस्तों कितना आ रहा है देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे 3.9 वोल्टेज, यानी 4 वोल्टेज हमारा हीटर वोल्टेज आ रहा है दोस्तों। देख सकते हैं, हीटर वोल्टेज 4 वोल्ट के करीब हमारा आ रहा है, AC वोल्टेज जो कि होता है हमारा। अब देखिए दोस्तों, हमारा ESTB अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर चुका है। और इस हालत में दोस्तों, मैं स्क्रीन तरफ आपको दिखाता हूँ, टीवी के स्क्रीन के तरफ। देखिए दोस्तों, हमारे टीवी पे पिक्चर लाइट आ चुका है। तो देखा दोस्तों, ये छोटा सा PF के चक्कर में हमारा टीवी पूरा डेड पड़ गया था दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।